जदयू की पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर मिले 4,03,00,000 रुपए कैश। एनआईए ने 19 घंटे तक की छापेमारी, हथियार भी किया जब्त। पूर्व एमएलसी बोली, बैंक से लिया था लोन। गया में पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के घर 19 घंटे तक एनआईए की छापेमारी चली। शुक्रवार सुबह 5 बजे टीम आई और रात 12 बजे घर से निकली। टीम अपने साथ 4 करोड़ से भी अधिक कैश और कारोबार से जुड़े कागजात और निजी गार्ड के हथियार जब्त कर पटना ले गई। कैश गिनने के लिए एसबीआई शाखा से 2 मशीनें मंगवाई गई थी। पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी ने कहा कि जो पैसा एनआईए ले गई है वे बैंक के थे, बैंक से कर्ज लिया था, उसके कागजात उन्होंने दे दिए हैं। एनआईए को छापेमारी में कुछ नहीं मिला है। हमारा होटल, कंस्ट्रक्शन कंपनी, पहाड़ क्रशर और बालू ठेके का काम है। जब्त सूची हमने पढ़ी है। जब उनसे पूछा गया कि कितने रुपए जब्त किए गए तो वह बात टाल गई। एनआईए की टीम ने गुरुवार की अहले सुबह पूर्व एमएलसी मनोरमा देवी के एपी कॉलोनी स्थित आवास पर छापेमारी की थी। इसके अलावा एनआईए ने बांके बाजार के गोईठा स्थित सिमरन ट्रेवल्स के प्रोप्राइटर द्वारिका यादव के घर पर भी छापेमारी की। यहां करीब 3-4 घंटे चली छापेमारी के बाद टीम द्वारा द्वारिका यादव के घर से एक लैपटॉप, सीडीआर और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए। एनआईए की टीम ने बताया कि नक्सल कनेक्शन की जांच पड़ताल के लिए बिहार के 5 जगहों पर छापेमारी की गई है और 4,03,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। साथ ही 8 से 10 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसके अलावा आवश्यक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। नीचे करो, धरो, धर लो। हाँ धर ले। अरे ये धरो ना जी, रुकिए। ये एनआईए की टीम आपके यहाँ छापेमारी की? हाँ, हमको तो कुछ मालूम भी नहीं था। एनआईए की टीम सुबह 6 बजे सुबह में मेरे के यहाँ छापेमारी हुआ है। ठीक, एनआईए ने क्या क्या बरामद किया है वो, जैसा कि अभी तक पूरे 5 जगह बताकर? नहीं तो ओ, मतलब एनआईए की टीम जो टीम था, ऑफिसर लोग थे, जो भी पेपर मांगे, मेरे पास सब पेपर मौजूद था। सारा पेपर हम उनको दिए कि हम राजनीतिक भी करते हैं, मेरा बिजनेस भी चलता है, मेरा होटल भी है जी, मेरा ठेकेदारी भी है। तो सारा पेपर हम मीडिया का भाई उनको हम एक एक पेपर दिए। अभी आपने एक विज्ञप्ति जारी की थी, आपने लिखा हुआ, उसमें लिखा है आपने कि पैसे की जो है वो बैंक से लोन लिया गया है, तो वो कितने पैसे उन लोगों ने देखा या पाया? पैसा है सब मेरे पास, सारा डॉक्यूमेंट्स है। और जो लेबर उबर के देने के लिए साइट पर जो ठेकेदारी में होता है उसके लिए रखे हुए थे। कितने थे वो अमाउंट, कितने होंगे? नहीं अभी वो हमको बताया नहीं, वो खुद ही अपना जोड़े हैं, हमको नहीं बताया है। किसी हिरासत में भी लिया गया? जी नहीं। कुछ हथियार की बात थी कि जो ऐसा आपने लिखा है कि निजी गार्डों का था, वो क्या निजी गार्ड? ऐसा कुछ नहीं था। वो पूछे कि किनका है तो सब मेरे पास सारा चीज सब सही था, तो ऐसा कोई बात नहीं। आपको बोले किसी सीजर लिस्ट पर साइन किया है कि नहीं? जी, सीजर लिस्ट पर कोई साइन किया है कि नहीं? क्या जब्ती सूची पर? हाँ, वो जो पेपर वगैरह ले गए तो उसी में हम साइन किए हैं। जो पेपर पढ़ के जो पेपर का वो मांग किए कि क्या चीज का पेपर है, वो क्या चीज का है, सारा कहाँ कहाँ आपका बिजनेस चलता है, कहाँ कहाँ क्या है, तो सब चीज का बस वही बाकी उनको पूरा कोऑपरेशन किया है। हमारा कहना है कि जो जब्ती सूची बना है उस पर आपने सिग्नेचर किया है कि नहीं? हाँ, हम उस पर किए हैं। तो उस जब्ती सूची पर आपने नहीं पढ़ा क्या क्या लिखना है, उन्होंने कितना पैसा कितना? नहीं, वैसा हम मतलब वैसा पैसा के बारे में उस पर वैसा कुछ नहीं था। मतलब कि वो तो बोले कि आप इस पर मैडम साइन कर दीजिए, तो हम फिर हम साइन कर दिए। चलिए ठीक है, ठीक है। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।